मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कांग्रेस अपने चुनावी फंड को इकट्ठा करने के लिए शराब माफिया का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए शराब माफिया कांग्रेस सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुन रहे, इसको लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला बोला। देखिए, गोपाल भार्गव जी की निराशा साफ साफ झलक रही है। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, वो टिकट नहीं मिली। और जो 15 साल मध्य प्रदेश में हुआ वो सबने देखा, क्या शराब नीति थी और क्या रेत नीति थी और किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। तो जो उन्होंने लूट मचाई और जिस तरह से खजाना खाली किया सबने देखा। और उसके बाद भी आज मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आज वो किसानों का ऋण भी माफ़ कर रही है और हर स्थिति में खड़े उतर रही, चाहे वो वचन निभाने की बात हो। आज हमने कम दिनों में 73 दिनों में 86 वचन पूरे किए हैं। तो ये उनकी बौखलाहट है, जमीन चूँकि भाजपा की अब खिसक चुकी है तो वो कुछ भी उल जुलूल बयान दे रहे हैं।